और आज आप देख रहे होंगे कि घर घर में कई जगहों पे कुछ लोग सिर्फ वीडियो देख करके अपने लंबे बालों को आराम से छोटे कर पा रहे हैं। तो आज हर एक चीज का एक्सेस आपको Hi everyone, yes, I'm back. So, hi everyone, this is Kumar Gaurav. आज मैं मेरे Facebook पेज से लाइव हूँ और जस्ट ये टेस्ट करने के लिए कि किस तरीके से थर्ड पार्टी क्रॉस करते हुए मैं Facebook पे लाइव जा सकता हूँ। आज मैं सोच रहा था कि ये एक या तो कैजुअल टॉक रहेगा या फिर इसमें मैं कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, एक प्योर यूनिक कंटेंट को किस तरीके से लाया जाए, मैंने सोचा कि मैं इस बारे में बात करूंगा। बट साथ ही साथ मैं देखना ये भी चाहूंगा कि मैं लाइव कितने लोगों के सामने हूं, बिकॉज मुझे पता नहीं मैं कितने लोगों के सामने लाइव हूं। आई रियली रियली डोंट नो कि कितने लोग मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं। एनीवेज, इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि मैं लोगों के द्वारा देखा जा रहा हूँ या नोटिस किया जा रहा हूँ या नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ वैल्यू ऐड की जाए। आजकल डिजिटल ऑनलाइन वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि पब्लिक पूरी तरीके से ऑफलाइन बिजनेस से जब ऑनलाइन बिजनेस मॉडल में शिफ्ट हो रही है, उसके पीछे एक मेजर रीज़न है कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन उनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं तो अफेक्ट हुई है। और ये एक ऐसा समय है जब मैं अबंडेंस मैनिफेस्टेशन पे भी काम कर रहा हूँ, और यह कहते हुए मैं एक कूल सीक्रेट यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि मेरे बिजनेस में मैं स्केल अप इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज मेरा जो बिजनेस है वो ऑफलाइन मॉडल से रिलेटेड है। गाइज, आज हर एक पर्सन, हर एक छोटे से छोटा पर्सन जो अपने एरिया में स्किल रखता है, वो क्या कर रहा है आपको पता है? वो अपने जितने भी स्किल हैं उसे छोटे छोटे वीडियोस या ऐसे के छोटे छोटे वीडियोस यानी कैप्सूल नुमा वीडियो का रूप देते हुए लोगों के माइंड में कि कंटेंट क्रिएट करें तो कैसे क्रिएट करें, तो उसके कई तरह के तरीके हैं जिसमें से मैं आपको कुछ तरीके यहाँ पर बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी फेमस तरीके हैं और वो आप भी कर सकते हो। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी क्विकली मैं स्क्रीन शेयर करूँगा। ओके, स्क्रीन शेयर करते हुए मैं ना माइंड मैप शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आप तो प्रो कोर्स क्रिएशन कैसे करें। कोर्स इसलिए कहा कि कंटेंट जो होता है उन बिजनेस ओनर्स के कोर्स का तरीका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे एक पहचान के हैं, काफ़ी फेमस हेयर ड्रेसर हैं, उन्होंने क्या किया, हेयर ड्रेसिंग के टेक्निक्स जो हैं और ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स हैं, मेकअप से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स हैं, तो उन सब पे उन्होंने छोटे 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 मॉड्यूल्स क्रिएट कर डाले। ऑल्दो हम नाई की दुकान तक या बार्बर की दुकान तक तो पहुँच नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे खुद के कॉन्टेंट वीडियो तैयार किए और उसे ना लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और आज आप देख रहे होंगे कि घर घर में कई जगहों पे कुछ लोग सिर्फ वीडियो देख करके अपने लंबे बालों को आराम से छोटे कर पा रहे हैं। तो आज हर एक चीज का एक्सेस आपको छोटी चीजों का छोटी चीजों के बारे में ज्ञात होना, वो छोटी छोटी चीजें क्या होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जो पहला स्टेट है कि आप पहले कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आता है ई के मतलब एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपके पास में जो ऑलरेडी पड़ी हुई जानकारी है आप उसका इस्तेमाल करके छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हैं, दैट इज नंबर वन। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एग्जिस्टिंग नॉलेज में आप खुद का एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज कर सकते हैं। ओके, एरिया ऑफ इंटरेस्ट
कैसे चूज करना है, जहां पे ज्यादा करके आपका दिल लगता है, जिसके बारे में आपको बातचीत करनी अच्छी लगती है, ओके, आप वो चूज कर सकते हैं। और ये चूज करने के बाद आप क्या करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रीन बढ़ा रहा हूं, आप क्या करने वाले हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने चूज कर लिया है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में एग्जिस्टिंग नॉलेज से तो बात करने ही वाले हैं, आप साथ ही साथ इसमें कुछ आप खुद के रिसर्च ऐड करेंगे, ठीक है, खुद के रिसर्च ऐड करेंगे। ये प्रारूप आपको एक पूरी तरह तरीके से एक नए कॉन्सेप्ट, जो कि कम से कम एक घंटे से लेकर के 3 घंटे तक का कॉन्टेंट दे सकता है। तो इसका इसका स्ट्रेंथ क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो आपको 1 आवर से 3 आवर्स का कंटेंट देता है। तो आप बदले में क्या कर रहे हैं, आप बदले में लोगों को एडुकेट कर रहे हैं, राइट, आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। और जब कुछ लोगों को सिखा रहे हैं, लोग, जैसे कहा जाता है कि मनी एक ऊर्जा का एक्सचेंज है, एक मीडियम है, मनी एक मीडियम है, एक जरिया है, जिसके थ्रू, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे कर रहा हूँ, और जो मैं अमाउंट पे कर रहा हूँ बदले में मुझे सर्विस मिल रही है। उसी तरीके से आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फिल्टर करते हुए क्या करते हैं, आप लोगों तक पहुँचते हैं। आप वाकई में जब लोगों को, सिर्फ इतना ही नहीं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट में सिर्फ रिसर्च किया और बता दिया उतना ही नहीं, उनमें वैल्यू ऐड की, ताकि वाकई में लोगों को लगे कि आपने इस छोटे से वैल्यू के थ्रू उनकी लाइफ टच की है, तो बदले में वो भी आपके साथ एक अच्छी डील करना चाहेंगे। दैट इज वन। इसके बारे में और डिटेल यदि आपने जानना है तो आप मेरे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जिसका नाम है इम्यूनिटी अबंडेंस मॉडल, जहां पे मैं और डीप इंसाइट देता हूँ। फिर उसके बाद में दूसरा है, जिसे कहा जाता है एग्जिस्टिंग नॉलेज के बाद आता है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट कहलाता है, वो कहलाता है ओके न्यू नॉलेज। सो न्यू नॉलेज कैसे हासिल करते हैं, आप खुद का जो इंटरेस्ट है पहले उसे आप डेवलप करते हैं। तो न्यू नॉलेज के लिए आपने, अगेन इसमें भी खुद का एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है, आपको पता है आपका निश क्या होता है, वो आपको पता है, और साथ ही साथ में आप क्या करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, ठीक है, उस पर आप रिसर्च करते हैं और खुद के नए कंटेंट आप क्रिएट करते हैं, न्यू कंटेंट आप क्रिएट करते हैं। तो ये 3 स्टेप का न्यू नॉलेज इनसाइट आप खुद के लिए डेवलप कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये कहने में इजी लग रहा है, बट इसमें एक मीन्स कंसिस्टेंट डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, ओके, उसके कुछ स्टेप बाय स्टेप सिस्टम्स होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं। ये हो गए 2 तरीके, ये बहुत सभी को पता है, सभी लोगों को पता, आइए एक अनोखा तरीका सीखते हैं। ये अनोखा तरीका है, वो है ईके और एनके का कॉम्बिनेशन, जिसे क्यूके कहा जाता है, यानी क्वेश्चन्ड नॉलेज। सो क्वेश्चन्ड नॉलेज में आप क्या करने वाले हैं, आपको जो भी कॉन्सेप्ट पता है, आप उसे जाएंगे प्रूफ करने, ओके, प्रूव द एनके, एंड दूसरा आता है प्रूव द ईके, ओके, प्रूव द एनके एंड प्रूव द ईके। इसमें एक्चुअली क्या करना है, इसे आपको टाइम बॉक्स करना है। तो टाइम बॉक्स किसे कहते हैं, एक आपने मिनिमम टाइम तैयार किया है और आपने खुद को बताया है कि मैं ना जब तक इसे अगले 15 मिनट तक प्रूफ ना कर लूं, क्या होगा कि आप एक नतीजे तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे, जल्दी ही आपका माइंड बोलेगा कि नहीं ये एक तरीका है और यहां तक पहुंच जाते हैं। पर करना क्या है, आपको उस नतीजे तक नहीं पहुंचना है, क्योंकि ये कहा जाता है व्हेन यू वांट टू इंक्लूड समथिंग बिगर नेवर कंक्लूड इट एट स्मॉलर। अगेन मैं रिपीट करता हूं, when you want to include something bigger never conclude it at smaller। मतलब आप यदि वाकई में कुछ एक breakthrough हासिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल थोड़े 2-3 मिनट के अनुमान लगाकर ही ना रुक जाएं, बल्कि उसके आप गहराई में जाएं, उसकी depth में जाएं, और आप ना 15 मिनट तक की टाइम बॉक्सिंग करें मिनिमम,
15 मिनट की टाइम बॉक्सिंग करें और उसमें क्या करना है आपको, ये प्रूफ करते ही जाना है कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने आपको पता है न्यू नॉलेज का और ये जो एग्जिस्टिंग नॉलेज का कॉन्सेप्ट पता है, आप इसे प्रूफ कैसे करेंगे, क्या सबूत है। तो आप ना एक रैली खेलेंगे इस वक्त। रैली कैसी होगी, क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे, उसका आंसर खुद ही आएगा, क्वेश्चन खुद ही पूछेंगे, आंसर खुद ही आएगा। तो क्यू एंड ए रैली कहलाएगा ये। क्या कहलाएगा ये? क्यू एंड ए रैली, ठीक है, विच विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ई के एंड एन के, ओके, दैट इज एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड न्यू नॉलेज, ओके, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो आप जब ये रैली खेल रहे होते हैं तो क्या होता है एग्जैक्टली, आप पाते हैं कि आपने खुद एक फ्रेमवर्क और एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला डिजाइन किया हुआ है, मतलब, और फिर उसे आपने क्या करना होता है, आप एक फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं, एक फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, आपने उसे फिर बाद में रिकॉर्ड करना होता है कहीं, तो आप इसे लिख कर रिकॉर्ड करें, बोल कर रिकॉर्ड करें, या जिस तरीके से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस तरीके से आप रिकॉर्ड करें, ठीक है।